गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीतू जांगू। टुडे नाउ स्टार्ट द टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, जो आज का जो टॉपिक है वो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी स्टूडेंट, वो आपका सीटेट में भी आता है, एसटेट में भी आता है, या फिर कोई भी जो टेट एग्जाम है टीचर से रिलेटेड, किसी में भी आपके चाइल्ड एंड पेडागोजी आता है। बस क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है स्टूडेंट्स, हर किसी में जो आपकी जो मार्किंग होती है वो डिफरेंट होती है, पर मोस्टली में क्या होता है, चाइल्ड एंड पेडागोजी आपकी 30 मार्क्स में आती है। ओके, तो आज की जो क्लास है दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट। तो इसमें हम फर्स्ट पार्ट में स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि हम क्वेश्चन और आंसर की फॉर्म में कर रहे हैं। मैं डायरेक्टली आपको, ये नहीं है कि एक टॉपिक से रिलेटेड करा रही हूँ, टॉपिक से रिलेटेड भी करेंगे। आज की जो हमारी क्लास है वो ओनली क्वेश्चन आंसर है, कि क्वेश्चन उसके बाद आंसर। तो नाउ स्टार्ट द क्लास। बी सेफ एंड बी हेल्दी। कि फ्रेंड्स, अभी आप लोग घर पे हो तो प्लीज अपने आप को सेफ रखो। ओके, नाउ स्टार्ट द क्लास। बालक का समाजीकरण कब प्रारंभ होता है? तो बालक का समाजीकरण कब प्रारंभ होता है फ्रेंड्स? शैशवकाल अवस्था में। तो शैशव जो अवस्था है वो कब से कब तक होती है? 0 से 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 2, समाजीकरण में बालक सबसे पहले किसको पहचानता है? कि इसमें स्टूडेंट्स क्या है कि जैसे एक बच्चा इस दुनिया में आता है तो सबसे पहले वो किसको पहचानता है? अपनी माँ को। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, बालक का समाजीकरण कब पूर्ण हो जाता है? कि जब वो एक दूसरी अवस्था में प्रारंभ होता है तो कब पूरा हो जाता है? किशोर अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 4 है, बालक के ग्रोह की अवस्था कौन सी कहलाती है? तो इसमें आंसर होगा आपका बाल्यावस्था। तो क्वेश्चन नंबर 5 होगा, बालक में नकारात्मक सोच कौन सी अवस्था में उत्पन्न हो जाती है? किशोर अवस्था में। तो आपके नकारात्मक सोच किस कौन सी अवस्था में उत्पन्न हो जाती है स्टूडेंट्स? किशोर अवस्था में। नेक्स्ट होगा, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? तो स्टूडेंट्स एक और चीज़ बोल देती हूँ, एक है ना मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगी कि कौन सा सिद्धांत किसने दिया। दिस इज़ ए वेरी इम्पोर्टेंट, कि आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कभी कभी यही आ जाता है कि कौन सा सिद्धांत किसने दिया। तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? बुंद्रा और वाल्टर ने, कि बुंद्रा और वाल्टर ने। नेक्स्ट होगा, मनोवैज्ञानिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? मनोवैज्ञानिक, देखो अभी पहले क्या था सामाजिक का, अब आ गया मनोवैज्ञानिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? एरिक्सन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 8, समायोजन की अवस्था कौन सी अवस्था को कहते हैं? तो समायोजन क्या होता है, एडजस्टमेंट होता है, तो उसमें क्या होता है, ये कौन सी अवस्था है? शैशव अवस्था। 8 क्वेश्चन हो गया। 9th क्वेश्चन है, बालक नए नए मित्र कब बनाते हैं? कि जब एक बच्चा वो एक जब एक इन्फ्लुएंस एज से जब दूसरी आपकी जो स्टेज में जाते हैं तो वो आपके न्यू फ्रेंड्स कब बनाते हैं स्टूडेंट? जब वो बच्चा स्कूल में एंट्री करता है, जैसे वो स्कूल में एंट्री करता है तो क्या होता है कि वो आपने न्यू फ्रेंड्स बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड्स, वर्तमान में विद्यालय जाने की उम्र कितनी है? तो वर्तमान में विद्यालय जाने की उम्र फ्रेंड्स कितनी है? 3 वर्ष। तो क्या होता है कि बच्चा क्या है 3 ईयर्स में क्या है स्कूल चला जाता है, पर ये नहीं कि वो जाते से फर्स्ट क्लास में एंट्री कर लेगा, नो, वो पहले आपकी प्री नर्सरी, नर्सरी, फिर LKG, आफ्टर दैट UKG, उसके बाद ही और शी की जो भी बच्चा है वो आपकी फर्स्ट क्लास में एंटर करता है। तो इसीलिए अभी जो है आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग भी बच्चा जो 3 ईयर्स में स्कूल जा सकता है, लेकिन क्या है वो फर्स्ट क्लास में जब एंट्री करता है वो कब करता है? जब वो 6 साल का हो जाता है। ओके, तो अब है न्यू एजुकेशन पॉलिसी की भी स्टूडेंट्स, मैंने एक अलग वीडियो बनाई हुई है, तो प्लीज़ अगर वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हो, क्योंकि कोई भी जो अभी है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है न्यू एजुकेशन पॉलिसी से 100% एक क्वेश्चन आना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, औपचारिक शिक्षा प्रारंभ होने की उम्र कितनी है? कि अब देखो इन्होंने बोल दिया ना कि अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि बच्चा फर्स्ट क्लास में एंटर कब करता है, जैसे वो 6 वर्ष का हो जाता है, तो जो 3 से जो 6 वर्ष का होता है वो क्या तो बच्चा अपने घर पे थोड़ा बहुत कि ABCD 1 2 3 जस्ट लाइक इस कर सकते हैं, या फिर जैसे गांव में क्या होता है कि जो आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं वहाँ पे भी जाके सीख सकते हैं, या फिर सिटीज़ में क्या होता है जो प्ले स्कूल्स होते हैं तो बच्चा पहले फर्स्ट क्लास स्कूल जाने से पहले कहाँ पे जो एंटर करता है वो प्ले स्कूल में करेगा, फिर आंगनवाड़ी केंद्र में करेगा। तो औपचारिक शिक्षा का जो है वो कब प्रारंभ होती है? 6 वर्ष में। नेक्स्ट होएगा, औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं?
तो अब यहाँ पे हो गया पहला कि क्वेश्चन क्या था स्टूडेंट्स कि कितने उम्र में प्रारंभ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कि किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा, कि क्या तो स्कूल में जो है एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी या फिर किसी भी संस्था में जो है एजुकेशन वो प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 13, अनौपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं। देखो अब औपचारिक और अनौपचारिक में डिफरेंस पता चल गया होगा आपको ऑटोमेटिकली। औपचारिक थी वो स्कूल में थी, और अनौपचारिक जो मैंने अभी अभी आपको ओरली बताया कि जो भी आंगनवाड़ी केंद्र है वहाँ पे जो शिक्षा दी जाती है या फिर घर में दी जाने वाली शिक्षा। तो घर में क्या होता है जैसे ही वो छोटा बच्चा होता है तो हम उसे क्या क्या करते हैं पहले ही ट्रेन कर देते हैं कि बेटा दिस इज़ वो एप्पल बॉल ABCD या फिर काउंटिंग AI सवर पेंचर। ओके नेक्स्ट आएगा समाजीकरण की क्रिया कब तक चलती है। तो समाजीकरण की क्रिया स्टूडेंट्स कब तक चलती है, जीवन भर चलती रहती है। कि जीवन भर इट्स मीन कि वो कभी भी रुकने वाली क्रिया नहीं है, वो एक कॉन्टिन्यूस सीरीज है कि देर इज नो एंड नथिंग, कभी भी उसका एंड नहीं होगा। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 14। 15 है स्टूडेंट्स समाजीकरण की पहली पाठशाला कौन सी है। तो पहली पाठशाला है घर या परिवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है बालक कितने मास में अपनी माता को पहचानने लग जाता है। कि दो क्वेश्चन बन जाते हैं स्टूडेंट कि जब एक बच्चा इस दुनिया में प्रवेश करता है तो सबसे पहले वो किसको पहचानता है, क्या तो बच्चा क्या है अपनी माँ को पहचानता है, और वो कितने मास में पहचानने लग जाते हैं 3 मंथ्स में। तो 2 मंथ से 3 मंथ्स में पहचानने लग जाता है। अगर ऑप्शन में डायरेक्टली 3 मंथ्स आ जाए तो ठीक है, अगर ये आ जाता है कि 2 से 2 से 3 महीने तक तो आप 2 से 3 महीने तक टिक करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शर्म की अवस्था कौन सी अवस्था को कहते हैं। तो स्टूडेंट्स जो भी मैंने अभी अभी आपको बताया कि स्टेजेस की भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, इसमें क्या है कि आपके कॉमन क्वेश्चन है। तो शर्म की अवस्था कौन सी अवस्था को कहते हैं, शैशव अवस्था, शैशव अवस्था को। नेक्स्ट होगा आपस झगड़े की भावना कौन सी अवस्था है। तो आपस झगड़े की भावना अवस्था है वो बाल अवस्था है। क्वेश्चन नंबर 18 ईर्ष्या भावना कौन सी अवस्था में पैदा होती है। ईर्ष्या कौन सी अवस्था में, बाल्यावस्था में। कि शर्म है वो भी बाल्यावस्था में और ईर्ष्या भावना है वो भी बाल्यावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 स्व प्रेम, मतलब कि स्व प्रेम मतलब अपनी चीज से। कि जब छोटे बच्चे होते हैं ना वो क्या होते हैं कि उनको बहुत ज्यादा अटैचमेंट होता है, वो अपनी चीज को किसी को नहीं देते, बोलते ये मेरी है ठीक है। तो कौन सी अवस्था से हो जाती है, तो शैशव अवस्था कौन सी है, जो इन्फेंट्री जो एज होती है कि जो बच्चा जो पैदा होता है 0 से 5-6 ईयर्स तक तो होती है। किसी बुक में किसी ने तो 5 ईयर्स तक बोला है, किसी ने 6 ईयर्स तक बोला है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 21 सामाजिकता नापने की विधि कौन सी है। तो कौन सी है, समाजमिति। तो सामाजिकता नापने की विधि को क्या कहते हैं, समाजमिति। तो समाजमिति स्केल का निर्माण किसने किया। अब देखो पहले नापने की विधि कौन सी आ गई, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया किसने निर्माण किया, तो डॉक्टर एल्डर ने किया। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन नंबर 23 है डॉक्टर एल्डर ने कितनी क्रियाओं के आधार पर सामाजिक परिपक्वता, परिपक्वता क्या होता है स्टूडेंट्स, परिपक्वता आपकी मैच्योरिटी होती है। तो कितने क्रियाओं के आधार पर नापा था, 117 सामाजिक क्रियाएं बताई थी जो जन्म से लेकर किशोरावस्था। तो किशोरावस्था कौन सी होती है, कि जब हम बड़े हो जाते हैं ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होएगा बालक मानव ध्वनि व अन्य ध्वनियों में अंतर कब करना सीखता है, कब करना सीखेगा स्टूडेंट्स, जब है बच्चा मतलब कि देखो अपनी मानव ध्वनि मतलब कि जो ह्यूमन की जो कहते हैं ना वॉइस होती है वो जो अदर वॉइस होती है वो कितने में सीख जाता है, ओनली 1 मंथ में। नेक्स्ट होगा अंतर्मुखी व बाह्यमुखी में कौन सी सामाजिक क्रियाओं सामाजिक विकास अधिक होता है, तो कौन सा है, बाह्यमुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 बालकों का सर्वाधिक उचित काल कौन सा होता है, जब वे विस्फोट उन तनाव में आते हैं। इट्स मीन कि बच्चे क्या होते हैं कि पहले छोटे होते हैं फिर वो स्कूल, तो सबसे ज़्यादा कि ऐसा कौन सा टाइम पीरियड होता है कि जो बच्चे एकदम कहते हैं ना गुस्से या फिर क्या तो गुस्से में आएंगे या फिर वो टेंशन में हो जाता है, तो वो कौन सा होता है, किशोरावस्था। तो किशोरावस्था आपकी मोर देन 18 ईयर्स में ही स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट आएगा श्यामपट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह में अंतर्मुख किया जा सकता है। तो श्यामपट इट्स मीन की क्या होता है, श्यामपट मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, आपका व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड ओके। तो दृश्य साधन में,
तो दृश्य क्या होता है, विजिबल, की जिसको आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 28 है, छात्र का वह सोपान जबकि वह सर्वाधिक रूप में संवेगों से घिरा रहता है, तो कब घिरा रहता है, किशोर अवस्था में। कब तक घिरा रहता है स्टूडेंट्स, वो किशोर अवस्था में। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 21, बालक के विकास से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, तो बालक के विकास से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, वंशाक्रम। वंशाक्रम को क्या बोलते हैं आप, हेरिडिटियन वातावरण, मतलब कि आपका हेरिडिटियन एनवायरमेंटल बहुत। तो मनोविज्ञान में सामाजिक विकास से क्या अभिप्राय है, दूसरों के साथ अच्छे संबंधों का विकास। मानव विज्ञान में सामाजिक विकास से क्या अभिप्राय है, दूसरों के साथ, कि दूसरों से भी जो भी अदर पर्सन हो उनके साथ अच्छा रिलेशन। ओके तो स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 30-31 है, शैम्पट को शिक्षण सामग्री के किस समूह में अंतर्मुक्त किया जा सकता है, तो किस में किया जा सकता है, दृश्य साधन। सॉरी स्टूडेंट्स, एक बार ये मैंने वापस अभी भी कराया था, छात्र का वह सोपान जबकि वह सर्वाधिक किस सहयोगों में घिरा होता है, किशोर अवस्था। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 31 है, विकास की दृष्टि से सही क्रम है, तो फर्स्ट वन आपका आता है आत्मीकरण, सेकंड वन आएगा आपका समायोजन, थर्ड वन आता है आपका अनुकूल। क्वेश्चन नंबर 32 है, बालकों में संज्ञान विकास की भावना होती है, कि भाव कि विकास की भिन्नता, भिन्नता मतलब अलग अलग, तो उसमें अतरंग योग्यताएं भिन्न हो जाती है। अतरंग योग्यताएं मतलब कि जो भी आपकी कैपेबिलिटी है, अवेलेबिलिटी है, वो आपकी डिफरेंट डिफरेंट हो जाती है स्टूडेंट्स। ओके तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 32। 33 है, बालक में तर्क की क्षमता विकसित करने के लिए आप क्या प्रस्तुत करेंगे, तो क्या प्रस्तुत करेंगे स्टूडेंट्स, कि आपको पता है ना कि जो तर्क मतलब कि रीजनिंग क्वेश्चन, कि लॉजिकल जो क्वेश्चन होता है, तो उसको क्या है, क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट कर दो, इट्स मीन कि घुमा दो, तो वह पूछोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, मैडम मॉन्ट्री ने अधिगम परिवेश में सर्वाधिक बल किस पर दिया, तो किस पर दिया स्टूडेंट्स, ज्ञानेंद्रियों के उपयोग पर। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 34। तो आई होप कि स्टूडेंट्स जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और स्टूडेंट्स, अभी तक आपको पता है कि आप लोग सब घर पे ही हो, तो प्लीज़ बी सेफ एंड बी हेल्दी। तो जैसे आप घर से बाहर निकलते हो, तो प्लीज़ ऑल ऑफ़ यू यूजिंग द मास्क यूज़ किया करो, और अपने साथ हैंड सैनिटाइज़र भी रखा करो, कि आप कहीं पे भी ऐसा हो कि वॉश नहीं कर सकते तो आपको सैनिटाइज कर लो। और सोशल डिस्टेंसिंग सबसे मेन है स्टूडेंट्स, वो आपको मेंटेन करनी है, वो एक सोशल डिस्टेंसिंग है, ठीक है। तो जब तक आप स्वच्छ रहोगे, जो ठीक रहोगे, तब तक ही क्या है, आप जो भी आपकी जो बीमारी आई है, इससे आप जंग को लड़ सकते हो। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे अगेन। स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।